रोजाना ज्ञान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं 20 अप्रैल 2021 मंगलवार आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बजरंग बली की कृपा से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर हैं और आपके जीवन में हमेशा खुशियों की बरसात रहे। आज मंगलवार का दिन है और आज के दिन बजरंग बली को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मन की मुरादें जरूर पूर्ण होगी, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय बजरंग बली जरूर लिख दें। चलिए हम जानेंगे आज आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफ़ी अच्छे विचार दिए गए हैं आप जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार का दिन है और महीना जो है वो चैत्र का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी नामक तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक रात्रि के दोपहर 12:43 तक चलता रहेगा और इसके आगे शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 6:53 तक चलेगा और इसके आगे पुष्य नक्षत्र बना रहेगा। योग की बात करें तो धृति नामक योग बन रही है, जो कि यह शाम के 7:43 तक चलेगा और इसके आगे शूल नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक सुबह के 6:05 पर और चंद्रास्त का समय शाम के 6:45 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा ठीक दोपहर 12:02 पर और चंद्रास्त का जो समय है यह रात्रि के 1:55 तक चलता रहेगा। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा कर्क राशि पर संचार करेगा। तो चलिए बात करते हैं आज का शुभ समय। यह दोपहर 12:00 से लेकर ठीक दोपहर 12:51 तक चलता रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह दोपहर 3:36 से लेकर ठीक शाम के 5:11 तक चलता रहेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। डर मुझे भी लगा था फासला देकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नजदीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। लोग क्या कहेंगे, यह एक ऐसा शब्द है जो हर रोज लाखों दिल और लाखों उम्मीदों को तोड़ता है। बस आप उन सब चीजों से बचे रहना, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि श्वास लेने के लिए भी पहले श्वास छोड़नी पड़ती है। समय दिया करो अपने रिश्तों को, ताजमहल लोगों ने देखा है मुमताज ने नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोगों की परवाह मत करो, आप क्या करते हो वो मायने रखता है। सभी कोई भगवान को भी बुरा ही बोलते हैं। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो वह नाराज हो जाता है और उसी को शेर कहो तो वह खुश हो जाता है। चलिए अब इसी के साथ जानते हैं आज का वृश्चिक राशि फल। आज आप अधिकार जताने के मूड में हैं, आप सबसे आगे रहकर अपना अधिकार जताना चाहते हैं। इसके बारे में सावधान रहें कि आपको अभिमानी नौ समझा जाए। आप नौ चाहते हुए भी किसी को परेशान कर सकते हैं। अगर आपको लगता भी है कि आप सब जानते हैं और इससे बेहतर कर सकते हैं, तब भी कार्य में औरों का सहयोग लेने की कोशिश जरूर करें, इससे आपके कार्य और भी अच्छे तरीके से हो पाएंगे। अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आज अपने जीवन की कुछ विशेष घटनाओं के कारण निराश हो गए हैं, जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते हैं और काम पर ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं। काम पर बेहतर तरीके से फोकस करने के लिए हर रोज सोने से पहले लिख लें कि आपको कौन से काम पूरे कर लिए हैं, और भी लिख लें या भी लिख लें कि आपको कौन से काम अगले दिन करना है। इससे आपके रूटीन बाय रूटीन हर काम अच्छे तरीके से समय पर हो पाएगा। आपके प्रेम और संबंध की अगर बात की जाए तो आप आज अपने साहस को एकत्रित कर
एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को बताएंगे कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में क्या मायने रखती है और इस व्यक्ति के प्रति आपके मन में आपकी क्या भावना है। आप उस सभी अवसरों का लाभ उठाएं जो आज आपके रास्ते में आए हैं। आपको बताना चाहेंगे आज के दिन आप प्रभा के साथ जानने के लिए तैयार रहें। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे ग्रहों की विषम स्थितियों के कारण आपको अन्य चीजों के बारे में परवाह नहीं करनी है, नहीं तो आपको और भी समस्याएं बिगड़ सकती है। करियर और धन के बारे में अगर बात की जाए तो आपको काफी समय से अपने सहकर्मियों की मदद मिल रही थी, परंतु अब समय ये मदद लौटाने का है। आपको ये भी बता दें अब आप अपने किसी भी सहकर्मी का मदद कर सकती हैं, जिससे आपकी स्थिति आपके कार्यस्थल में दृढ़ता से मजबूती होगी। आपको बता दें और आपकी लोकप्रियता आपकी बढ़ेगी। हो सकता है कि आज आपको देर रात तक कार्य करना पड़े। आपको बताना चाहेंगे ये आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा और अपने कार्य को सही ढंग से आप पूरे भी कर पाएंगे। दोस्तों अगर इन बातों से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।